ये देखिए, ये है बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन बिल्डिंग, और अभी बजा है रात के एकदम 9 बजे। अंकल जी ने अपना स्पीच दिया एंड अंकल जी इधर के ही मतलब विलेज में रहते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, एकदम स्टेशन बिल्डिंग के ऑपोजिट पे एक पेड़ है, ये पेड़ के ऊपर मैं लाइट मार रहा हूँ, आप देखिए। बेगुनकोदर ये सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं है, सब लोग इस स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं। आप अगर गूगल पे सर्च करते हो कि top 10 most 100 रेलवे स्टेशन इन इंडियन रेलवे या top 5 most 100 रेलवे स्टेशन इन इंडियन रेलवे, तो ये स्टेशन आपको नंबर 1 या नंबर 2 पे दिखाई देगा। तो इस स्टेशन का अपना एक स्टोरी है, उस स्टोरी में, वो स्टोरी बोल के मैं वीडियो लंबा नहीं करूंगा, वो स्टोरी अगर आपको जाननी है तो यूट्यूब पे आप सर्च करना, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएगा। उस सारे स्टोरीज में एक बात कम है, एक लड़की ट्रेन के आगे आ जाती है, ट्रेन के साथ साथ भागती है एंड ट्रेन के साथ रेस लगाती है, ऐसा कुछ लड़की का मैटर है। तो ये स्टोरी कॉमन है, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योति, आप देख रहे मेरा चैनल ट्रेन लवर्स ज्योति, और ये मेरे पीछे स्टेशन बोर्ड बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन। सो आज हम इस बेगुनकोदर पे एक रात, वन नाइट स्टैंड करने वाले, एक रात गुजरने वाले एंड देखेंगे सच में इधर कोई मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी, हंटेड, ऐसा कुछ चीज़ है कि नहीं। एंड अगर हमारे साथ कुछ होती है, हमारे नज़रों के आगे कुछ भी आता है, तो मैं या मेरे साथ जो दोस्त लोग आए हैं वो सब आपके साथ हम शेयर करेंगे। अगर कुछ होता है तो भी शेयर करेंगे, कुछ नहीं होता है तो भी शेयर करेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, एक बार फिर से बन जाओ मेरे हम सफर, एंजॉय करो इस वीडियो को भी डिजिटली ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। तो चलिए ज्यादा वक्त न गवाए, हम हमारे इस वीडियो को भी चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं बता देता हूं कि आप इधर कैसे आ सकते हो इस बेगुनकोदर स्टेशन पर। ये अगर हो सकता है कि आप अगर इस स्टेशन को अपने आंखों से देखना चाहते हो या इधर घूमने के लिए आना चाहते हो या किसी और रीजन के वजह से आप अगर आना चाहते हो तो वो कैसे आ सकते हो। इधर दो रूट से मतलब आप आ सकते हो, एक आसनसोल से, एक हावड़ा से। हम हावड़ा से गए थे, हावड़ा से अगर आप आना चाहते हो तो ट्रेन नंबर 08011 हावड़ा चक्रधरपुर एक्सप्रेस एक ट्रेन है जो रात 12:05 पर हावड़ा स्टेशन से खुलती है। उस ट्रेन को आपको बोर्ड करना पड़ेगा, एकदम आसान रूट है। उस ट्रेन को बोर्ड करके आपको पुरुलिया तक जाना होगा, पुरुलिया पर यह ट्रेन 6:15 पर आपको उतारेगी। उसके बाद पुरुलिया से आपको 2 मेमू मिल जाएगा, 7:15 और 8:15 के करीब शायद। तो एक आसनसोल रांची मेमू और एक खड़गपुर रांची मेमू, उन दोनों मेमू में से कोई भी एक मेमू करके आप इधर आ सकते हो। और अगर आपको ये रूट पसंद नहीं है तो आप आसनसोल से भी आ सकते हो। बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन, ये स्टेशन हमारे वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है एंड साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंदर आती है एंड डिवीजन है रांची डिवीजन। और दिस स्टेशन लोकेटेड 308 मीटर अबोव द सी लेवल। अगर मैं नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ तो इधर 2 प्लेटफॉर्म्स है, और दोस्तों ज़्यादातर यहाँ पर मेमू ट्रेन का हॉल्ट है, मेमू ट्रेन ज़्यादातर यहाँ पर आके रुकती है। इन द ईयर 1960 को इस बेगुनकोदर स्टेशन को पहली बार ओपन किया गया था। इन द ईयर 1967 को इस भूत प्रेत ये अफवाह के वजह से, मतलब सब झूठ है, सब कुछ झूठ है, इस अफवाह के वजह से स्टेशन को बंद किया गया था, बंद करवा दिया गया था। और फिर 2009 पे इस स्टेशन को फिर से रीओपन किया गया था। तो ये थी स्टेशन के बारे में कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ बेगुनकोदर स्टेशन के एक पेड़ के नीचे, ये देखिए आप देख लीजिए पेड़, और प्लेटफॉर्म आप नहीं कह सकते, प्लेटफॉर्म नहीं है, देखिए इधर बस मिट्टी है, ठीक है। और ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, और ये सामने देख रहे हैं आप स्टेशन बिल्डिंग, ये देखिए इसको भी हम थोड़ी देर बाद कवर करेंगे। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बजे। और एक बात दोस्तों, वो एक कि बहुत सारे वीडियोस में मैं देखा हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि इस स्टेशन के एकदम 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के एरिया पे
कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, एकदम सुनसान है। तो मैं नहीं जानता वो वीडियो बहुत पुरानी होगी शायद, तो अभी के टाइम पे इसके आसपास मतलब इस बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत सारा होटल, दुकान, घर ये सब बन गए। देखिए आप दूर पे देख सकते हो, उधर एक घर है, उधर एक घर है, सामने देखिए दो घर है वो दिखाई दे रहा है। हम उधर एक होटल पे खाना खाने गए थे, उधर भी एक घर है। तो असली खेल तो भाई साहब होगा रात, मतलब रात में। तो हम कोशिश करेंगे रात 12 बजे एंड 3 बजे जो पीक टाइम होता है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का, कहाँ जाता है ये, वो दो टाइम पे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों ये देखिए स्टेशन के एकदम साइट पे, वो देखिए मेरे सामने देखिए कितना सुंदर पहाड़ है। मन तो करता है हम लोगों का वो पहाड़ पे चला जाऊँ, वो थोड़ा मतलब सामने जाऊँ, घूमूँ, उसके ऊपर चढ़ूँ, लेकिन बहुत दूर है। सामने से देखने को लग रहा है कि सामने है, लेकिन वो पहाड़ बहुत ही दूर, इधर भी है, इधर भी सामने आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उधर है शायद, उधर उधर एक पहाड़ है, इधर आपको दिखाई दे रहा है, उधर भी है। तो स्टेशन का नज़ारा जो है, नज़ारा की नज़रे के दिख से स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है, मुझे ऐसा लगा, पर्सनल ओपिनियन। 2 hours later. तो दोस्तों आपके लिए बता रहा हूँ, आप अगर इधर आना चाहते हो, हमारी तरह ऐसा वीडियो बनाना चाहते हो, कोई भी खाने की अगर समस्या हो, वो देखिए सामने है बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन, और उससे थोड़ा एकदम उसके एकदम अपोजिट पे इधर देखिए पुष्पा होटल। हम अभी अभी इस पुष्पा होटल से खा के आए, एकदम अच्छा क्वालिटी का खाना मिलता है कम रेंज के अंदर। तो आप इधर आके पुष्पा होटल पे खा सकते हो। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 7 बजे, रात के 7 बजे, एंड जैसे आप देख पा रहे हो एक के बाद एक ट्रेन आ रही है एंड जा रही है, बाइक्स जा रही है, वो लोग अपने काम से, कुछ लोग काम करते इधर, वो काम से घर जा रहे हैं। और रात में ऐसा ट्रेन का नज़ारा बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो चलिए थोड़ा रात और वेट करते हैं एंड हमारे वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये है बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन बिल्डिंग, और अभी बजा है रात के एकदम 9 बजे। तो चलिए हम अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या है। चलिए ये एक रूम है, इधर देख सकते हैं ताला लगा हुआ है, ये देखिए इधर ताला लगा हुआ है, इधर दो बेंच टाइप का है, बेंच इधर लोग बैठते थे, अभी भी बैठते हैं, और इधर पानी जमा हुआ है, अब देखिए पानी, और उधर जंगल है सामने। इधर देखिए बुकिंग विंडो, बुकिंग विंडो, और इधर भी बुकिंग विंडो, सामने फेयर मतलब कहाँ आपको जाना है, मूडी जंक्शन सब कुछ लिखा हुआ है, बोकारो स्टील सिटी फेयर टेबल, उसके बाद कितना किलोमीटर है, पैसा कितना है, सब कुछ इधर लिखा हुआ है। सो ये बिल्डिंग को 1967 पे मतलब क्लोज कर दिया गया था, ये भूत प्रेत इसका मतलब अफवाह की वजह से। तब रेल मतलब ममता बनर्जी जब हमारे रेल मिनिस्टर थे, तब उन्होंने इस मतलब बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन को फिर से ओपन किया 2009 में, और तब से लेकर आज तक भी ये ओपन है, लेकिन रात पे नहीं। देखिए अभी 9 बजे है, और इसके बाद 12 बजे और 3 बजे हम फिर से आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हम बेगुन कोदर के एकदम सामने खड़े हैं, ये देखिए सामने एक टुमार, वो देखिए बेगुन कोदर लिखा है, एंड हमारे एक सीनियर अंकल मिले हैं। तो अंकल यहीं पर रहने वाले हैं ना, तो अंकल इस बेगुन कोदर के बारे में कुछ बताएंगे। तो चलिए अंकल के मुंह से सच्चाई सुन लेते हैं। সেটা তৈরি জগৎ থেকে হয়েছে, তারপরে 40 বছর এটা বন্ধ ছিল, 40 বছর বন্ধ ছিল। আচ্ছা, তারপর থেকে খোলার পরেই কি এরকম ঘটনা সব হয়েছে?
তারপরে তখন বন্ধ হওয়ার পরে তো কলকাতার লোকই আসে, বেড়াশি টাকা বেরিয়ে সাজাই, জেনারেটার দিয়ে সাজাই, চৌকাঠার দরজা দিয়ে সেই জেনারেটার দ্বারা যে ভূতে সেরকম ইয়া করি যে ছবি নেটের দ্বারা, এটা কোনো গুজব কথা, সব মানে সত্যি কথা নয়, সব মিথ্যা কথা। আমরা যতদিন থেকে মনে করে বাঁচে আছি ততদিন দেখছি এই ভূত বইতে কোনো নাই, মানে শুধু অপ্রচার, অপ্রচার বলেই তো ঘটনা হয়েছে, বেগুন কুতর বলেই দেশন সারা বিশ্বে বেগুন কুতর উঠে যাইছে যে ভূতের ভূতরা দেশন, ভূত তো নই, আমরা তো সবসময় বারো মাস আসছি ঘোরাফেরা করছি কিন্তু কই কোনদিন দেখি নাই, এই রকম করে একটা গুজব। মানুষ যেখানে থাকে সেখানেই তো ভগবান, মানুষ না থাকলে তো ভগবানের অসুবিধা আছে। আর এখানে এর আগে যেসব কিছু কিছু ইউটিউবার এসছেন তারা দেখিয়েছেন যে এখানে নানান রকমের ভূত আছে, তারাগুলো মিথ্যা কথা বলেছে, কে কি দেখেছে মনে করুন, ওরা সব নেটের দ্বারা যায়, ওই তো নিজেই সব বেড়া সেটাকে বেরিয়ে আসা যায়, সেইরকম ছোট করে এইরকম ছোট ছোট সাজাই, সেইরকম নেটের দ্বারা যে ভূত দেন সব সাজাইছে, কিন্তু সব অপচার অঘটন, সেইটা মিথ্যা কথা সব সময় বলছে, সে যেমন বেগুনগুলোর স্টেশনটা চলে যাক, এইরকম প্রচার হচ্ছে। এখানে যে এরকম অপপ্রচার হচ্ছে তাতে তো আপনারা নানানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, কিছু কিছু জায়গা থেকে তো আপনারা বঞ্চিত থাকছেন, তো এই যে ব্যাপারগুলো এখানে এতদিন ধরে হয়ে এসছে তার জন্য আপনারা সরকারকে কোনো রকম কিছু জানিয়েছেন যে এরকম হচ্ছে বা কিছু? সরকার পুলিশ জানিয়েছে, পুলিশ জানাইছে, পুলিশে অসুবিধা করেছে, পুলিশ যদি কলকাতার লোক আসে তো পুলিশে এই আপর মারধর করে। আচ্ছা, মানে কলকাতার লোক আসলে পুলিশ বলেছে লুটাপাটা করে দিলে আমি যে আজকে গল্প করছিলাম মনে করি আমার সাথেই তো আপনারা গল্প করছেন, আপনারা কলকাতার লোক মনে করি, আর আপনার কাছে যদি আমি ইয়া করি তাহলে কলকাতায় আসতে পারছেন নাই, এই যে আমরা ফোন লম্ব দিলাম, ফোন নম্বর দিলা এটা ঘটনা হয়ে গেল, আসা যাওয়া করবেন, মেল থাকিল, এইরকম তো কি আছে, অপচার যেমন না হই, অপচার যেমন না হয় যেমন ডেঙ্গুটা সুস্থ থাকে, যেমন ট্রেন দাঁড়াক এবং প্ল্যাটফর্ম হোক প্ল্যাটফর্ম হোক, যেমন যেমন গুজব যেমন ছড়াইছে সেটা ছড়া যেমন বন্ধ থাকে, এইরকম করেই আমার ঘটনা এইগুলো শেষ। अंकल जी ने अपना स्पीच दिया एंड अंकल जी इधर के ही मतलब विलेज में रहते हैं, तो दोस्तों ये सारा जो मतलब आप बेगुन कुदर सर्च करते हो तो यूट्यूब पे जो वीडियोस आते हैं, जो लोग इधर आके वीडियो नहीं बनाते, वॉइस ओवर करके वीडियो बनाते हैं इंटरनेट से फोटो लेके, प्लीज़ उनके वीडियो पे विश्वास मत कीजिए, इधर ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसा कुछ भी नहीं है हमने देखा, एंड हम तो छोड़ दीजिए इधर के जो रहने वाले हैं उन मतलब उनके मुँह से आप लोग ने सुना, तो प्लीज़ ऐसा मतलब आप विश्वास मत कीजिए, कुछ भी नहीं इधर, कुछ भी नहीं, तो ऐसा मतलब लोग ऐसे करते हैं बदनाम करने के लिए, कुछ भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया स्टेशन है, चारों ओर पहाड़ है, कितना खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, इनको बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तो दोस्तों ये देखिए एकदम स्टेशन बिल्डिंग के ऑपोजिट पे एक पेड़ है, इधर देखते क्या है, ये पेड़ के ऊपर मैं लाइट मार रहा हूँ, आप देखिए देखिए इधर एक टायर लटका, मतलब किसी ने लटका दिया एक टायर, टायर एक एक से बढ़कर एक टायर, कुछ भी नहीं यार, देखो एकदम खाली, एकदम खाली, कुछ भी नहीं है, और टायर कहाँ था, ये था वो टायर, एकदम पूरा अंधेरा, पूरा एकदम, इधर है ट्रैक्स और उधर है हमारा स्टेशन। तो दोस्तों ये देखिए अपना देसी जुगाड़, देसी जुगाड़, देसी जुगाड़ हमारा, ये हमारा सुसु भैया ने नींद हो मतलब
देख लीजिए देसी जुगाड़। और ये हमारा मतलब मोबाइल टीपने वाला। एंड ये देखिए रात का स्टेशन और सामने ट्रैक है, आप शायद नहीं देख पा रहे, उधर एक छोटा सा लाइट उधर है। और दोस्तों दिस इज द स्ट्रगल, देखो रात पे हम कैसे सोए थे इधर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तीन आदमी देख सकते हो, एकदम राइट में मैं हूँ और साइड पे मेरे दो दोस्त हैं और मेरा और एक दोस्त बाहर वीडियो लेने गया था, ठीक है। तो उधर तो आप जानते हो होटल, रहने का होटल आपको नहीं मिलेगा, तो रात पे सोना भी तो ज़रूरी है ना। तो हम उसी बेगुन कोदर बिल्डिंग के अंदर ही सो गए थे। तो सोना मतलब ऐसा नहीं कि पूरा एक टाना सो जाना, ठीक है, हमें तो वीडियो बनाना है ना। एक घंटे डेढ़ घंटे के लिए सो रहे थे, फिर से जाग रहे थे, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत किया है। तो प्लीज़ यार आप लोगों से एक ही मतलब मेरा रिक्वेस्ट है कि पॉजिटिविटी को स्प्रेड कीजिए, ठीक है, नेगेटिविटी को स्प्रेड मत कीजिए, पॉजिटिव वीडियो जो है उनको शेयर कीजिए। और इस वीडियो को प्लीज़ आप जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि पॉजिटिविटी शेयर करना ज़रूरी है। इस जगह के बारे में बहुत नेगेटिव मतलब घट रट चुकी है, तो प्लीज़ इस पॉजिटिव वीडियो को सबके अंदर शेयर कीजिए। तो दोस्तों अभी हम फिर से आए हैं बेगुनकोदर स्टेशन के एकदम साइड पे, बेगुनकोदर स्टेशन है और ये इधर एक बेंच मतलब बेंच टाइप का इधर बैठे हैं। एंड अभी टाइम हो रहा है, देख लीजिए 3:32 मतलब 3 बजे, 3:30 बजे। और 3:30 बजे कहा जाता है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का निकलने का एकदम पीक टाइम है, तो पीक टाइम पे हम आए हैं। सो हमने पूरा रात इधर गुजारा है, आप वीडियो में देख चुके हो। एंड इधर एक विलेजर अंकल का इंटरव्यू भी लिया है। एंड हमने जो मतलब हमारे साथ हुआ है वो है कि ऑनेस्ट रिव्यू बता रहा हूँ, इधर कोई नहीं है सच में यार। तो हमने इधर एक पूरी रात गुजारी है एंड आप वीडियो पे देख चुके हो, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है कि इधर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो जैसा हर एक वीडियो में कॉमन मतलब लोग बोलते हैं कि एक लड़की ट्रेन के साथ रेस लगाती है, ट्रेन के पीछे पीछे भागती है, ट्रेन के साथ भागती है, कभी ट्रेन के आगे आ जाती है, तो उस लड़की का तो हमने नामो निशान नहीं मतलब पाया। अगर हमारे सामने आ जाती तो मज़ा आता, लेकिन नहीं आया, क्यों नहीं आया नहीं पता। तो ऐसे लोग ऐसा मतलब झूठा अफवाह इस खूबसूरत स्टेशन के बारे में, उस जगह के बारे में फैलाते हैं, जिसके कारण बहुत ही बुरी चीज़ होती है। कुछ भी नहीं इधर, हम स्टेशन के एकदम सामने गए थे, स्टेशन के थोड़ा पीछे भी गए थे, आगे भी गए थे मतलब स्टेशन से कुछ दूर हम गए थे एंड देखे उधर कुछ भी नहीं है दोस्तों। और उसके बाद हम थोड़ा सा सोए भी। दिस इज़ द मन मतलब मेरा रिव्यू यही है कि जो लोग इधर आके वीडियो बना चुके हैं, मतलब जो लोग इधर आके एक्सपीरियंस किए हैं, उनके वीडियोस को आप व्यूज़ दो, आप प्यार करो एंड बिलीव भी करो। लेकिन जो लोग गूगल से वीडियो फोटो डाउनलोड करके मतलब कुछ भी बोल दे के वॉइस ओवर करके वीडियो बनाते हैं, एकदम बेकार बात है एकदम। मतलब हमने जो विलेजर वो अंकल का इंटरव्यू भी लिया, आप देख चुके हैं, तो उन्होंने मतलब वो भी इधर के रहने वाले थे कि झूठ क्यों बोलेंगे आप बताओ। और वो ज़्यादा उनको पता होगा या उन लोगों को पता होगा जो ये सब झूठी वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ यार ऐसा मत फैलाओ। तो अभी सूरज मामा तो उतने ही वाले हैं, आप लोग समझ पा रहे हो। तो हमारा वापसी का ट्रेन इधर से है, 5 बजे आएगा। तू बोल फास्ट। আজকে আমার সঙ্গে বেগুনকোদরে এসেছিল আমার ফ্রেন্ড জ্যোতির্ময়, ওর একটা চ্যানেলের জন্য ভিডিও শ্যুট করতেও এসেছে, একসঙ্গে কোলাপ করেই আমরা করছি এই ভিডিওটা। তো আজকে যেটা তুমি দেখলে, তো এখানে কতটা গুজব, কতটা সত্যি, কতটা ভৌতিক বলে মনে হলো তোমার? কিছুই না, একদম বেকার। মানে তোমাদের একটা কথা বলছি, দেখবে যে লোক কিন্তু বেকার জিনিসগুলোতে বেশি ভিউ দেয়। বেকার জিনিস মানে যে জিনিসগুলো যারা এখানে এসে রিয়েলিটি ফেস করে ভিডিও বানিয়েছে, এখানে সত্যি আছে কিনা তারা জানে। এবং যারা জাস্ট ইন্টারনেট গুগল থেকে ভিডিও আপলোড মানে সরি গুগল থেকে ফটো নিয়ে ফটো ডাউনলোড করে সেই ফটো এক পয়সা মানে স্লাইড শো করে ভয়েস ওভার দিয়ে ভিডিও বানায়, তারপরে বিভিন্ন ডায়লগ ফাইলগ দিয়ে এখান নামে উল্টো পাল্টা বলে যে এখানে এই আছে, সে আছে, নেই দৌড়ায় নাকি। আমরা তো এখন 3:00 বাজে, 3:25 এরকম বাজে সকাল, মানে পিক টাইম যেটাকে বলে, মানে এই প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটির কিচ্ছু আজ মানে এখনও অবধি নজরে আসলো না। কেন ছড়াও এগুলো? এগুলো ছড়ানো কি ঠিক? এত সুন্দর জায়গাটা, সামনে পাহাড়, পিছনে পাহাড়, তার মাঝখানে এত সুন্দর একটা স্টেশন, তো এই জায়গাটা অন্যভাবে পরিচিতি পাওয়া উচিত আমার মতে। মানে ভালো এই ভূত প্রেত বাদ দিয়ে এগুলো সত্যি ভালো লাগে না,
কেন জানি না লোকে এরকম ছড়িয়ে এই জায়গাটাকে এরকম নোংরা করছে আমি বুঝতে পারছি না। তো এই জায়গাটা অন্যভাবে একটা দারুণ স্পট হিসাবে মানে লোকের জানা উচিত যে এত সুন্দর একটা জায়গা আছে, সেটাকে কিছু লোক উল্টোপাল্টা ভিডিওর মাধ্যমে একদম মানে ভূত প্রেত ওই 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 সব ভয় দেখিয়ে এইসব উল্টোপাল্টা গুজব রুটিয়ে এই জায়গাটাকে একদম নষ্ট করে দিচ্ছে কী বলবো। প্লাস এখানকার লোকেদের মনেও সেই মানে ভয়টা ধরিয়ে দিচ্ছে, যাতে অন্য কোনো লোক কলকাতা থেকে এইটাকে ভুল প্রমাণিত করতে আসলে, এবং আমরা আসলে আমাদের অনেক কিছু ফেস করতে হয়েছে, সব বাদ দিলাম। তো আমার এটাই রায় যেন সত্যিটা সত্য যে ভিডিওগুলো সেগুলো তোমরা সাপোর্ট করো, ঠিক আছে? বেকার ভিডিও একদম স্লাইড শো ভিডিও, যারা কিছু জানে না মানে এখানে এসে ভিডিও বানায়নি, গুগল থেকে ভিডিও নিয়ে নিজের মত নিজের ভয়েস ওভার দিয়ে ভিডিও বানিয়ে দিয়েছে, ওগুলোকে ভিউ প্লাস ভিউ তো দিওই না প্লাস কী বলবো মানে সাপোর্টও করো না, এটাই আমার রায়। তো আমার ওর সাথে কোলাপ করে ভালোই লাগলো এবং আমার চ্যানেলেও এই ভিডিওটা আসবে। আমি ফার্স্ট এরকম একটা হান্টেড ব্লগ কভার করলাম, খুবই ভালো লাগলো। আর এটা আমার ড্রিম একটা প্রজেক্ট ছিল, মানে এই বেগুন কোদর অনেক দিন থেকে ইচ্ছা ছিল যে আমি কভার করবো, বাট তো যদি আমাকে বললো যে অ্যাপ্রোচ করেছিলো তাই আমি আজকে করতে পেরেছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। তো আভি বাজে রা হ্যায় 4:46 5:45 অ্যান্ড হামারা নাইট স্টে মতলব বেগুন কোদর ট্রিপ লগভগ খতম হো গয়া হ্যায়। তো আমার সাথে অঙ্কল জি ইধর কে রহনে বালে, তো জিনোনে আমাকে ইধর কি সচ্চাই বতাই হ্যায়। সো আপকো যদি ভিডিও পসন্দ আই ভিডিও কো লাইক করো, कमेंट करके बताओ कि आपका राय क्या है, एंड प्लीज़ जो सच्चाई वाला वीडियो है जैसे मतलब लोग इधर आके बनाते हैं उन सब वीडियो को मतलब आप शेयर करो, आप सपोर्ट करो, लेकिन जो ऐसे अफवाह फैलाते हैं कि इधर ये है वो है कुछ भी नहीं है मतलब झूठ, उन सब वीडियो को आप मत देखो प्लीज़, आप उन सब वीडियो को सपोर्ट मत करो। एंड इस वीडियो को प्लीज़ सब लोगों के अंदर शेयर करना, मैंने हर एक वीडियो में नहीं बोला कि शेयर, किसी कुछ भी वीडियो में नहीं बोलता कि शेयर करो, इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को प्लीज़ लोगों तक पहुँचाओ, शेयर करो, शेयर करना ज़रूरी है। एंड हमारा मुलाकात अगर यूट्यूब पे पहली बार हो रही है चैनल को सब्सक्राइब करना ट्रेन लवर ज्योति, एंड बाजू में जो घंटा है घंटे को दबा देना, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो नीचे आईडी दिख रहा है, कंटेंट पसंद आए तो फॉलो ज़रूर करना। मैं आपसे फिर से मिलूंगा किसी और एक वीडियो के साथ किसी और एक नए दिन किसी और एक नई टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अलविदा, गॉड ब्लेस, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।